दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद फिर से यूएस से एक नया बॉम्ब फूटा है इस समय अदानी ग्रुप के ऊपर, और उसका असर ये देखने को मिला कि आप देख सकते हो कि सभी के सभी शेयरों में भारी गिरावट है। तो आप देख सकते हो कि इस बार ये क्या है पूरा मामला, किसने इस बार इल्ज़ाम लगाया अदानी ग्रुप के ऊपर, जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ तो आप देख सकते हो कि जनवरी महीने के बाद ही जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसके बाद में लगातार बहुत भारी गिरावट हुई, उससे उबरने की वो कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरह से देखें तो वो मैनेज कर रहे हैं कि जो पुरानी जो खोई हुई जो इमेज है उसको फिर से सुधारा जाए। लेकिन अब भी देख सकते हो कि एक फिर से एक बड़ा एलिगेशन लग गया है। अब ये क्या है पूरा मामला उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इस पूरे मामले की जांच ऑलरेडी सेबी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो कमेटी बनाई थी उन्होंने एक तरह से क्लीन चिट भी दी, लेकिन अभी ये जो पूरा मामला बना उसका नुकसान देखने को मिल रहा है अदानी ग्रुप के शेयरों में। वैसे पिछले कुछ सप्ताह से देखे तो नरमी बनी हुई है, बाजार में थोड़ा सा दबाव देखने को भी मिल रहा ऊपर के हाई लेवल से, और उसका असर देखने को मिला पिछले कुछ दिनों से। अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट तो जारी थी, आज काफ़ी बड़ी गिरावट है। तो आगे की क्या संभावना बनती है, क्या अदानी ग्रुप में और भारी गिरावट होगी या फिर वापस पॉजिटिव माहौल बन सकता है, तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस वी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 11:15 का टाइम है। अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स इस समय 63,130 के आसपास ट्रेड करता हूँ आपको दिखा देगा, जहाँ पे 108 पॉइंट की गिरावट यानी 0.17% डाउन है। और कल का गिरावट काफ़ी थी, आज भी गिरावट दिख रही है, और ये समझ सकते हो कि गिरावट और ज़्यादा भी थी उसमें कुछ रिकवरी है, क्योंकि 62,824 का आज लो भी बना। तो कुल मिला के देख सकते हो कि निचले लेवल से थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन अदानी ग्रुप के शेयरों में फिलहाल कोई रिकवरी दिखाई नहीं दे रही है। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो 2,191 के स्तर पर फिर से स्टॉक आ चुका है और 205 पॉइंट की भारी गिरावट यानी 8.57% गिर चुका है अदानी इंटरप्राइजेस। तो बहुत भारी नुकसान हो रहा है लोगों को इस स्टॉक के अंदर, और ये सबसे जो बड़ी बात है कि लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है। अब अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो स्टॉक 711 पर इस समय ट्रेड करता हूँ आपको दिखा देगा, जहाँ पे 4.62% की यहाँ पर भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, और आप समझ सकते हो इंट्राडे का 703 का लो भी बना है, तो काफ़ी ज़्यादा दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें स्टॉक इस समय 948 के आसपास ट्रेड करता हूँ आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर भी 2.73% की बड़ी गिरावट है। शुरुआत फ्लैट हुई थी लेकिन उसके बाद में गिरावट का माहौल बनना शुरू हो चुका है। अदानी टोटल गैस की बात करें तो स्टॉक 631 पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 3.5% की बड़ी गिरावट है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि लगातार माहौल निगेटिव बन रहा है, हो सकता है कि लोअर सर्किट लगे। अब यहाँ पे अगर हम अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो 749 पर स्टॉक है और 6.89% की भारी गिरावट है। उसके पीछे वजह कि इसकी सर्किट की लिमिट बढ़ा दी गई है, तो इस वजह से अभी ये तेज़ी से गिर रहा है स्टॉक, लगभग 7% की ऑलरेडी गिरावट के आसपास पहुंच चुका है, और ये बड़ी बात है कि गिरावट और हो सकती है। अदानी विलमा लिमिटेड की बात करें तो 406 पर स्टॉक इस समय ट्रेड करता है, अब दिखा देगा 2.80% की यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करें अगर हम अदानी पावर लिमिटेड की तो 243 पर स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है और 5.12% की काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। स्टॉक की शुरुआत फ्लैट हुई थी लेकिन उसके बाद में लगातार गिरावट का दौर जारी है और गिरावट बढ़ रही है अभी। ACC सीमेंट की बात करें तो 1787 के स्टॉक पर ट्रेड करता हूँ आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 2.44% की जबरदस्त गिरावट है। अंबुजा सीमेंट 429 पर स्टॉक है और 3.50% की ऑलरेडी भारी गिरावट हो चुकी है। बात NDTV की करें तो 215 पर स्टॉक इस समय है, जहाँ पे 2.99% यानी 3% की गिरावट है। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि बहुत दिन के बाद जबरदस्त गिरावट का दौर जारी है अदानी ग्रुप में और लोगों की चिंता बढ़ गई है। तो अब यहाँ पे ये सबसे जो बड़ी बात है कि ये जो पूरा मामला बना है अदानी ग्रुप की हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, अमेरिका में एक और नई जाँच चल रही है अदानी ग्रुप को लेकर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अदानी ग्रुप ने अपने जो शेयर है उनको अपना जो फिर से इमेज बनाने के लिए जो अपने गिरवी शेयर लेकर जो कर्ज लौटाने की जो स्ट्रेटजी अपनाई थी और जो इन्वेस्टर रोड शो किए थे जिसमें कंपनी की सेहत और आगे की योजनाओं के बारे में प्रेजेंटेशन दिया गया था, अभी इस बात को लेकर अमेरिका में जांच शुरू हो गई है कि क्या अदानी ग्रुप ने निवेशकों से बातचीत की है। तो यहाँ पे देखो अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के झटके से उबरने के लिए अदानी ग्रुप ने इन्वेस्टर रोड शो किया था, इसके तहत उसने निवेशकों के भरोसे के लिए जीतने के लिए बातचीत की थी। अब इस पर अमेरिकी निमाय की नज़र पड़ी है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क ब्रुकलिन के अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस की अदानी ग्रुप के शेयर होल्डरों से पूछा है कि ग्रुप के साथ में उनकी क्या बातचीत हुई है। अटॉर्नी ऑफिस पिछले कुछ महीनों से इस पर जांच कर रही है। इस प्रकार की जांच अमेरिकी बाजार निमायक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन भी कर रही है।
इंडिया में देखें तो सेबी ऑलरेडी इसके ऊपर जांच करी है और सेबी इस बात की जांच करी कि अदानी ग्रुप ने मार्केट से जुड़े किसी नियम का उल्लंघन तो नहीं किया है। यह जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है और पहले इसके 2 मार्च को कोर्ट ने सेबी को 2 महीने का समय भी दिया था, हालांकि फिर सेबी ने अतिरिक्त समय 17 मई को सेबी की याचिका पर 14 अगस्त तक का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर अगर जरूरत पड़ी तो 30 सितंबर के तक का समय भी दिया जा सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। तो हिंडनबर्ग ने पहले बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए थे, उन्होंने कहा कि अकाउंट में फ्रॉड किया गया है, स्टॉक की प्राइस को मैनिपुलेट किया गया है मॉरिशस की कंपनियों के मुकाबले जो सेल कंपनियां हैं। अब वहां से जो गिरावट का माहौल बना उसके बाद में उससे बचने के लिए एक इमेज को फिर से दुरुस्त करने के लिए उन्होंने रोड शोज किए थे, जहाँ पे देखो सिंगापुर में रोड शोज किए थे। इसके अलावा आप देखें तो उनके रोड शोज अमेरिका में हुए थे। अब इसी को लेकर जांच हो रही है कि उनके इन्वेस्टर जो भी है उनके साथ में क्या बातचीत अदानी ग्रुप ने किया। इसी को लेकर अमेरिका की जो एजेंसी है वो जांच कर रही है कि इस रोड शोज के दौरान अदानी ग्रुप ने क्या भरोसा दिया है उन निवेशकों के साथ में जो इनके साथ में वो आगे बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, और इसी को लेकर ये पूरा की पूरी जाँच हो रही है। और इस जांच ने ही पूरा का पूरा माहौल बिगाड़ दिया है कि एक तरह से देखें तो अमेरिका की एजेंसियों को इस समय अदानी ग्रुप के ऊपर भरोसा नहीं है, ये साबित हो रहा है। दूसरी तरफ देखें तो जो यहाँ पे ऑडिटर फर्म है डिलॉइट, उन्होंने भी यहाँ पे देखें तो एक तरह से अदानी ग्रुप के ऊपर यहाँ पे भरोसा नहीं जताया। उनका कहना है कि ये जो उनकी ऑडिटर फर्म है उसके ऊपर उनको विश्वास नहीं है। और यहाँ पे देख सकते कि जो एक तरह डिलॉइट ने भी एक तरह से इल्ज़ाम लगाया, एलिगेशन ही लगाए, ये पहले भी अब खबर निकल गए और फिर से डिलॉइट देखें तो यहाँ पे इस समय देखें तो इनका जो अदानी पोर्ट्स के बिजनेस के ऊपर उन्होंने कुछ एलिगेशन लगाए। तो कुल मिला के देख सकते हो कि लगातार बहुत सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं और आने वाले समय इसकी और भी निगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो अदानी इंटरप्राइजेस का शेयर जो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है और इस समय देखें तो 2200 से नीचे 9% की गिरावट ऑलरेडी हुई है। अब आगे की क्या संभावना बने, क्या इस समय इन स्टॉक में बने रहना चाहिए या फिर यहाँ से निकल जाना चाहिए? तो अदानी इंटरप्राइजेस को लेकर रिसर्च एनालिस्ट GCL ब्रोकिंग के देख सकते हो कि उनका एक कहना है कि स्टॉक 2300 से 2600 की रेंज के अंदर है और यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले समय 20% का आप मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसे ये रेंज टूटेगी तो फिर गिरावट का माहौल भी बनेगा। तो आप देख सकते हो कि इसने 2300 के स्तर को तोड़ा है और ये देख सकते हो कि इसमें गिरावट का माहौल बन सकता है। ऐसे में स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहने की ही संभावना बन रही है। इस समय जो निवेशक है उनको थोड़ा सा इस समय वेट करना चाहिए कि नई एंट्री तो बिल्कुल ना करें। दूसरी तरफ गौरव विश्वा जो VP इनक्रेड के इक्विटीज के मार्केट एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि स्टॉक के अंदर करीब 1000 पॉइंट की निचले लेवल से रिकवरी हुई, अगर स्टॉक अगर 2200 के ऊपर ट्रेड करता हो आपको दिखाया तो उसको होल्ड करना चाहिए और आने वाले समय इसके 2800 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर 2200 का स्तर टूटेगा तो फिर और गिरावट होगी। अभी वही सिचुएशन बन रही है कि यहाँ पे माहौल निगेटिव बना हुआ है, तो इस समय अदानी ग्रुप से थोड़ा सा आपको दूर होना चाहिए, एक वेट करें क्योंकि अभी भी सेबी की जांच तो चल रही है, सेबी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं दी है और ऊपर से अमेरिका में भी जांच शुरू हो गई है और ऐसे में आने वाले समय इसमें और गिरावट हो सकती है। तो इसलिए हमें वेट करना होगा ये पूरा मामला क्लियर होने तक, तब तक अदानी ग्रुप के शेयरों से आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। आने वाले समय में जैसे ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आएगा उसके बाद में पॉजिटिव माहौल बन सकता है और उसके लिए हमें वेट जरूर करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।